हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम RSCIT जो हमारा एक राजस्थान की गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए करवाया जाने वाला कोर्स है, उसके चैप्टर वाइज चैप्टर्स हम कवर करते जा रहे हैं। और प्रीवियस की वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 7 तक हमारी नॉलेज इम्प्रूव कर ली और उनसे गाइडेंस भी हमने ले लिए। आज जो हमारा चैप्टर हमारा रिमेनिंग पार्ट है वो है हमारा चैप्टर नंबर 7 का ही पार्ट 3 होगा। प्रीवियस की क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 7 के बारे में जाना कि ई गवर्नेंस क्या है, किस तरह से आजकल हर एक सर्विस हर एक सिटीज़न तक पहुंच रही है बिना किसी रुकावट के। कोई भी नागरिक अपनी जो भी गवर्नमेंट से ली जाने वाली सुविधाएं उनका घर बैठे बैठे यूज़ कर रहे हैं, कैसे ई मित्र का हमारे लाइफ में आजकल यूज़ हो रहा है, भामाशाह योजना क्या थी, किसके नाम पे वो कार्ड बनवाया जाता था, कितने टाइप के कार्ड होते थे, इन सब के बारे में हमने प्रीवियस की क्लासेस में देख लिया है। और आई होप आपने अपनी नॉलेज इम्प्रूव कर ली होगी। आज जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 7 का ही है, राजस्थान संपर्क। ठीक है, ये आपके RSCIT के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसमें से भामाशाह का मैंने आपको कम कहा था, बट राजस्थान संपर्क पहले भी था और अभी भी, और ये काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट के थ्रू बनाई गई एक योजना है, एक प्रोजेक्ट है, एक बहुत ही अच्छी पोर्टल है, जिससे क्या कर सकता है, सिंपल वे में कहा जाए तो एक सिटीज़न अपनी किसी भी शिकायत को अगर गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहता है तो वो इस पोर्टल का यूज़ कर सकता है। पहले क्या होता था, आपकी कोई शिकायत होती थी, आप किसी एक अधिकारी के पास गए, उन्होंने कहा आप दूसरे के पास जाइए, या लॉन्ग प्रोसेस हो जाती थी काफ़ी, है ना, डिपार्टमेंट तक आपको जाना पड़ता था, फिर आपकी समस्या के बारे में बहुत सोच विचार होता था, तब जाके कोई आपकी एक समस्या या प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन होता था। बट अब क्या हो गया है, ई गवर्नेंस के थ्रू इतनी अच्छी सर्विस राजस्थान गवर्नमेंट ने सिटीजन्स को प्रोवाइड करवाई है कि एक सिटीज़न अपने घर बैठे बैठे भी राजस्थान अपनी जो भी कोई शिकायत है वो डायरेक्ट किसी भी डिपार्टमेंट तक पहुंचा सकता है, और उसके बारे में जो भी फीडबैक है, जो भी एक्शन है, जो भी वो वर्क होता है, वो उसे अपडेट मिलती रही। ठीक है, इसके लिए राजस्थान संपर्क एक ऐसा पोर्टल बनाया गया है। ठीक है, राजस्थान संपर्क, जैसे कि मैंने आपको आइडिया दे ही दिया है कि राजस्थान संपर्क क्या है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। राजस्थान संपर्क एक इनोवेटिव ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। यह शिकायत ग्रीवियंस निवारण निराकरण के लिए एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबिलिटी व्यवस्था प्रदान करके राज्य के निवासियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम है। जैसा कि मैंने बताया, कोई मीडिएटर नहीं है किसी डिपार्टमेंट से आपके, ऐसा नहीं है कि आपको डिपार्टमेंट्स के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, एक जिस भी डिपार्टमेंट से आपको वर्क है आप डायरेक्ट अपनी शिकायत उस डिपार्टमेंट तक इस पोर्टल के थ्रू पहुँचा सकते हैं। यह एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें नागरिक कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर के थ्रू भी आप अपनी शिकायत दे सकते हैं, वेब पोर्टल के थ्रू भी दे सकते हैं, वीडियो संपर्क सुविधा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी के माध्यम से नागरिक अपनी शिकायत का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इस सिस्टम में राज्य कर्मियों को एक ऑटोमेटेड वर्कफ्लो की सुविधा प्रदान की गई है जो शिकायतों के पूरी तरह से निवारण और प्रभावी निगरानी के लिए जरूरी है। यानी आप अपनी ग्रीवेंस अपलोड करवा रहे हैं, आपकी ग्रीवेंस पर कहाँ तक वर्क हो रहा है वो सारी डिटेल्स आपको आपके सॉफ्टवेयर पर, आपकी जो ग्रीवेंस आईडी दी जाती है उसके थ्रू आपको डे बाय डे डिटेल्स मिलती जाती हैं। राजस्थान संपर्क को राज्य भर में जून 2014 से चालू किया गया है। इंपॉर्टेंट है कि इसे कब से स्टार्ट किया गया है, जून 2014 से राजस्थान संपर्क को स्टार्ट किया गया है। इसमें सभी सरकारी विभाग, स्वायत्त संगठन संस्थान और शैक्षणिक संस्थान शामिल किए गए हैं। ठीक है, यानी बहुत सारे इसमें डिपार्टमेंट क्या कर दिए गए हैं, मर्ज कर दिए गए हैं। उद्देश्य क्या है, राजस्थान संपर्क आम लोगों को उनकी शिकायतों का समाधान प्रदान प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, नागरिक अपनी शिकायत या ग्रीवेंस अपलोड करवा सकते हैं, उसका समाधान भी बहुत ही जल्दी इफेक्टिवली होता है। निवासी और सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुकूल, जो नॉर्मल सिटीजन है उनके लिए, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उनके लिए अनुकूल, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी, प्रॉपर वे में स्वचालित शिकायत दर्ज करने और शिकायत निस्तारण करने का एक पूरा यहाँ पे क्या है, तंत्र है कि इन सब तरीक़ों से मैनेज होकर आपकी शिकायत का बहुत ही जल्दी रिजोल्यूशन किया जाता है। यहाँ पर सरकारी अधिकारियों को वास्तविक समय सूचना, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रदान करना, जैसे अधिकारियों सही एवं समय पर निर्णय ले सके और शिकायतों को उचित निगरानी की जा सके। यानी जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आपने शिकायत अपनी वहाँ पर जनरेट करवाई है, तो वो जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उन तक जल्दी से आपकी शिकायत को
पहुंचाना ताकि वो अपने एक्शंस पर जल्दी से जल्दी वर्क कर सकें, है ना। तो सरकारी अधिकारियों के लिए जल्दी से जल्दी वर्क करने के लिए बहुत ही अच्छा इसमें मैनेजमेंट दिया गया है ताकि जो भी आपकी ग्रीवियंस है उसके अकॉर्डिंग सरकारी अधिकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उस पर ऑफिसर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स उस पर क्या कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपने शिकायत दर्ज करी है उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सके। सरकार में फाइलों के मानवीय निस्तारण में कमी, यानी पहले क्या होता था, फाइल्स होती थी, फाइल्स में किसी की समस्या दब जाती थी, अब वो समस्या नहीं रही है, पोर्टल पे आपकी समस्या रह वहाँ पर स्टोर हो जाती है और वहाँ से जिस जो भी कंसल्टेंट डिपार्टमेंट है उस तक पहुँचाई जाती है। तेज़ी से और वास्तविक समय में अंतर विभागीय अकाउंट आंकड़ों का आदान प्रदान जिससे शिकायत निवारण प्रक्रिया को गति और दक्षता में वृद्धि हुई, यानी बहुत तेज़ी से जो भी आपके डिपार्टमेंट है उसके अंदर आपके शिकायत को सेंड कर दिया जाता है और वो डिपार्टमेंट उस पर जल्दी से एक्शंस वर्क करते हैं। निवासियों को शिकायत के अप टू डेट स्टेटस प्रदान करके सशक्त बनाना, यानी आपकी शिकायत पर क्या वर्क हो रहा है उसके बारे में आपको अप टू डेट रखना, आपकी स्टेटस भेजना, आपको मैसेज के थ्रू बताना कि आपकी शिकायत पर यहाँ यहाँ वर्क हो रहा है, क्या क्या वर्क हो रहा है, सब कुछ आपको पता चलता जाता है। अच्छे प्रशासन, गुड गवर्नेंस के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे सेवाओं की समय सीमा में डिलीवरी, पारदर्शिता, जवाबदेही, संवेदनशीलता और निवासियों के प्रति जिम्मेदारी को हासिल करना, ये सब इसके उद्देश्य के अंडर में आते हैं कि राशन संपर्क पोर्टल को इसलिए बनाया गया ताकि अच्छी तरीके से वर्क किया, जैसे कि हर वर्क ट्रांसपेरेंट हो, सबको पता रहे कि कौन सा वर्क कब कहाँ हो रहा है, यानी बहुत अच्छी सुविधाओं को सिटीजन तक पहुँचाना, उनके ग्रीवेंस को सुधारना, ये सब इसके उद्देश्य के अंडर में आते हैं। की बेनिफिट्स क्या है, पारंपरिक ट्रेडिशनल सिस्टम में अपनी शिकायत सुलझाने के लिए व्यक्ति को संबंधित अधिकारी से मिलना और कागज़ पर अनुरोध करना होता था, है ना। पहले जैसे मैंने भी बताया, पहले तो कागज़ पे होता था, डिपार्टमेंट तक जाना होता था। इस प्रक्रिया में समस्याएं मुद्दों को हल करने के लिए न केवल समय, धन और एफर्ट की भी बर्बादी होती थी, इन सभी की बर्बादी होती थी। अभी अब देखिए, पहले आपको आधा घंटा मान लीजिए डिपार्टमेंट तक जाने में लगता था, फिर आधा घंटा आने में लगता था अभी, और फिर वहाँ पे अगर काम करना होता था आपको, अपना कागज़ पे अपनी शिकायत लिखनी होती थी तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता था। अभी ये सब काम क्या चुटकियों में हो जाता है, आप घर बैठे बैठे भी ये शिकायत अपलोड करवा सकते हैं, लेकिन व्यक्ति को खुद भी हमेशा उपस्थित होना पड़ता था पहले की बात है। राजस्थान संपर्क राज्य के निवासियों और अधिकारियों के द्वारा शिकायत निवारण पर खर्च किए गए समय व श्रम की बचत करने का एक प्रयास है, बहुत ही अच्छा ये प्रयास है। शिकायत निराकरण के लिए पहले कोई परिभाषित एस्केलेप मैट्रिक्स अस्तित्व में नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप अनुचित पेंडेंसी बनी रहती थी। पहले कोई मॉडल ऐसा तैयार नहीं था कि किस तरह से लोगों की शिकायतें को रिजोल्यूशन किया जा सके, है ना। तो फिर क्या होता था, शिकायत होती थी तो वो आपकी फाइलों में, जानते कि फाइलों में दबके रह जाती थी, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। वेब आधारित प्रणाली में अब सभी राज्य सरकार के विभागों और अधिकारियों की पूरी हायरार्की शामिल की जाती है, जिसमें शिकायत को उचित अधिकारी को आवंटन करके उसका निराकरण किया जाता है। नए सिस्टम में ऐसा प्रावधान है जिससे जरूरत पड़ने पर शिकायत को एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को ट्रांसफर किया जा सकता है, है ना। तो वो जो भी एक हायरार्की बनी होती है कि इस डिपार्टमेंट में इस अधिकारी तक जाएगी, फिर वो अधिकारी अपने से छोटे वालों को उस काम को करने के लिए देंगे या उससे भी छोटे जूनियर वालों को वो काम करने के लिए देंगे, है ना। तो एक हायरार्की बनी हुई है कि इस डिपार्टमेंट का इस पर्सन के पास जाएगा, फिर उससे उसके पास जाएगा, पूरी एक हायरार्की के अकॉर्डिंग आपका ये जो भी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन होता है उस पर वर्क किया जा सकता है। और अगर ज़रूरत भी पड़ती है तो वो जो अगर ट्रांसफ़र करना होता है उस शिकायत को किसी के पास, तो वो ट्रांसफ़र भी की जाती है। शिकायत से संबंधित सभी दस्तावेजों को इस वेब पोर्टल पर ही रखा जाता है ताकि दस्तावेजों के गुमने से बचाया जा सके। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसकी जो भी डिटेल्स होती है, वो इस वेब पोर्टल पर क्या रहती है, स्टोर्ड रहती है, ताकि वो लॉस ना हो जाए ना। पहले क्या होता था, कई बार आप शिकायत लिखाते थे उस पर वर्क हुआ नहीं हुआ, हो सकता है आपकी शिकायत को ही कहीं से हटा ना दिया गया हो, और कभी आप गए तो बोले कि आपको तो शिकायत, आपने तो कोई शिकायतें लिखी नहीं है ना, तो वैसी कोई दिक्कत नहीं रहती है। आपके वेब पोर्टल पे क्या रहती है, यहाँ पे सुरक्षित रहती है। ग्रीवियंस रेडरल्स एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स प्रोसेस, है ना, ये जो आपकी प्रोसेस है शिकायत निवारण की और निगरानी की प्रक्रिया, ये 5 स्टेप्स में डिवाइडेड है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि कितने स्टेप्स में डिवाइडेड है, जब आपको पता होगा कि ये 5 में है तभी आप इसका आंसर
करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके। यहाँ पे आपको एक डायग्राम भी दे रखा है कि जो भी सिटीजन होता है वो अपनी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाता है, मॉडरेशन होता है, फिर अलोकेशन होता है, फिर डिस्पोजल, और फिर आपकी जो भी ग्रीवेंस थी उसका का वेरिफिकेशन होता है कि क्या प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है। तो इस प्रोसेस को हम देख लेते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, देखिए किसी भी पोर्टल पर जाएंगे तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही होगा। अगर आप अपनी शिकायत भी लिखवाना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप ऐसा ही नहीं कि डायरेक्ट शिकायत लिखवाएंगे, आपको आपकी डिटेल भी देनी होगी, एक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी आप इस पोर्टल तक अब एक्सेस कर पाएंगे। राज्य सरकार के समक्ष शिकायत पंजीकृत दर्ज करने के लिए निवासी नीचे दिए गए किसी भी माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। इनमें से किसी भी माध्यम का यूज़ करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि रजिस्ट्रेशन किन किन मेथड्स के थ्रू करवाया जा सकता है। देखिए, एक तो राजस्थान संपर्क मोबाइल ऐप, मोबाइल की एक एप्लीकेशन है राजस्थान संपर्क, आप उसके थ्रू भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वेब पोर्टल है, यानी आप यहाँ पे अगर वेब पोर्टल पे जाके संपर्क लिखते हैं, है ना, तब भी आप उस पोर्टल तक पहुँच सकते हैं, है ना, तो यहाँ से भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ई मित्र कियोस्क, जैसा कि मैंने ई मित्र की आपकी सर्विसेज के बारे में बताया है, ये ई मित्र सेंटर से भी कर सकते हैं। आईटी सेंटर एंड वेरियस ऑफिसेज, तो बहुत से ऑफिसेज और आईटी सेंटर्स के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कॉल सेंटर, जो कि आपका दिया हुआ है, कॉल सेंटर में एसएमएस और टोल फ्री नंबर सुविधा के साथ आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। कॉल सेंटर में सिंपल सा है, आप 181 पे कॉल करेंगे तो आप राजस्थान संपर्क के कॉल सेंटर पर कॉल कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद निवासी को सिस्टम द्वारा एक शिकायत ग्रीवेंस आईडी दी जाती है, जिसका उपयोग भविष्य में शिकायत को ट्रैक करने, इसे पुनः खोलने, फीडबैक देने आदि में किया जा सकता है, है ना। तो आप जैसे ही अपनी शिकायत लिखवाते हो तो आपको एक ग्रीवेंस आईडी दी जाती है, उसके बाद ही जैसे आपको भविष्य में इससे रिलेटेड अपना अप टू डेट देखना है, स्टेटस देखना है, कहाँ क्या वर्क चल रहा है, तो उसके लिए आप ग्रीवेंस आईडी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मॉडरेशन। शिकायत पंजीकृत दर्ज होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा शिकायत में दी गई संपूर्ण विवरण की क्या की जाती है, वेरिफिकेशन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तथ्यों की जांच करने के बाद सरकारी विभाग के एचओडी और नोडल अधिकारी अपने अपने क्षेत्राधिकार के अनुसार कार्यालय उपयोग में आने वाले संबंधित क्षेत्रों में संशोधन कर सकते हैं, ना। तो सबसे पहले तो आपके जो भी आपने ग्रीवेंस दिखाई है उसकी जांच की जाती है, क्या आपकी ग्रीवेंस सही है या नहीं है, क्या उस पर वर्क करना है क्या नहीं करना है, ना, तो उसकी जाँच की जाती है, आपके डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है, आपकी शिकायत सही है या नहीं है, फिर उस कंसल्टेंट डिपार्टमेंट तक, यानी जो भी उनका क्षेत्राधिकार होता है, जितने क्षेत्र का उनका एरिया में उनका वर्क होता है, उसके अकॉर्डिंग ही ये वर्क किया जाता है। शिकायत की स्वीकार्यता पता लगाना, ग्रीवेंस क्वालिफिकेशंस, शिकायत अगर स्वीकार करने योग्य है तो उन्हें पुनः जांच कर सत्यापित करना, अगर हाँ स्वीकार करने योग्य है वो उनके थ्रू, तो उसको वापस री वेरिफिकेशन करवाया जाता है। अगर शिकायत गलत विभाग के लिए प्रेषित की गई है तो उसे सही करना, कभी कभार होता है आपको डिपार्टमेंट का नहीं पता हो रहा था, आप किसी गलत डिपार्टमेंट के लिए अपनी शिकायत दे देते हैं, तो यहाँ पे ये फैसिलिटी भी रहती है कि जो भी सही डिपार्टमेंट है उस तक उस शिकायत को इनके थ्रू ही सेंड किया जाता है। शिकायत से संबंधित पुराने रिकॉर्ड्स की पहचान करना, कोई प्रीवियस रिकॉर्ड है उनकी पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन करना, प्राथमिकता तय करना और पृथक्करण करना कि कौन सी शिकायत पहले रिजॉल्व की जानी चाहिए, कौन सी इंपॉर्टेंट है, वो सब यहाँ पे सेट की जाती है। निवारण प्रक्रिया फिर प्रारंभ करना, इसके बाद आपकी जो निवारण, उस समस्या को निवारण करने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रोसेस की जाती है। पूरी वेरिफिकेशन के बाद ही आपकी ये निवारण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। देन आता है अलोकेशन। इस प्रक्रिया में मॉडरेट शिकायत निवारण करने के लिए शिकायत संबंधित अधिकारी को आवंटन करना करता है। केवल वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, प्रशासनिक सुधार विभाग और जिला कलेक्टरों को उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अन्य विभागों के अधिकारियों को शिकायत आवंटित करने की इजाज़त दी जाती है, ना। जो भी विभाग है उस तक वो शिकायत को क्या किया जाता है, अलोकेशन किया जाता है। लंबी शिकायतों का निर्धारण करने के लिए अलग अलग इनबॉक्स की सुविधा। विभाग में एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को शिकायत ट्रांसफर करने के लिए ऑनलाइन डेलीगेशन, SMS, ईमेल द्वारा डेलीगेशन की अधिसूचना, संबंधित अधिकारी द्वारा शिकायत को किसी और अधिकारी को भेजना, सिस्टम शिकायतकर्ता को इसकी सूचना देता है, ना। यानी सारे प्रोसेस आपकी अलोकेशन के अंडर में आती है कि आप जिस भी डिपार्टमेंट तक ये शिकायत भेज रहे हैं, उनकी जिस भी डिपार्टमेंट की शिकायत है उन तक डिटेल्स को पहुँचाना, उनको जो भी SMS के थ्रू इन्फॉर्म करना की शिकायत आपकी डिपार्टमेंट से है नहीं है, उसमें कौन से अधिकारी किस तरह वर्क करेंगे, वो सारी डिटेल्स सर्विसेज इसके अंडर में ही आ जाती है। नेक्स्ट आता है आपका डिस्पोजल 4 पॉइंट। अगर शिकायतकर्ता द्वारा मांगी गई राहत रिलीफ के आधार पर अंतिम डिस्पोजल को राहत, रिलीफ या रिजेक्ट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ना, जो भी आपने शिकायत लिखाई गई है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजेक्ट और रिलीफ
इन दोनों में अंदर में ही क्या किया जाता है, मॉडरेट किया जाता है कि क्या आप इस जो भी सिटीज़न था उसने जो शिकायत लिखवाई थी उसके अकॉर्डिंग उससे रिलीफ हो रहा है या वो उससे खुश नहीं है। जब मामले में अंतिम डिस्पोजल प्रदान नहीं किया जाता है, मामले की योग्यता के आधार पर शिकायत को दुविधा या आंशिक कार्यवाही श्रेणी के तहत रखा जाता है। अगर लास्ट यहाँ डिस्पोजल तक नहीं पहुँचता तो इसको इन दो वर्ड्स के अंदर में भी रखा जाता है, एक तो आपकी आंशिक कार्यवाही श्रेणी या फिर दुविधा, इनको आगे और रिजॉल्व करने की ज़रूरत रहती है। इन शिकायतों को अंतिम डिस्पोजल श्रेणी में नहीं माना जाता है और इन्हें संबंधित अधिकारियों के इनबॉक्स में अंतिम डिस्पोजल के लिए पेंडिंग रखी के रूप में मार्क किया जाता है ना, वही आगे के वर्क के लिए इन्हें रखा जाता है। अगर वो प्रॉपर रिलीफ या रिजेक्ट के रूप में नहीं होती है, डिस्पोजल के रूप में नहीं होती, तो इन्हें इन दो श्रेणी में कैटेगरीज में रखा जाता है। फिर आता है आपका डिस्पोजल पर शिकायतकर्ता को स्टेटस अपडेट कर सूचना देना। जो भी शिकायतकर्ता है उसको उसकी अपडेट, जो भी डिस्पोजल जो भी वर्क रहा है उसकी उसको अपडेट करवाना मैसेज के थ्रू, या फिर उसके जो भी उसने अपनी ग्रीवेंस आईडी दी थी उसके थ्रू स्टेटस पे अपडेट करवाना कि आपकी शिकायत का इतना वर्क हो गया। डिस्पोजल पर सभी संबंधित लोगों को SMS आउटबाउंड कॉल के जरिए स्टेटस अपडेट करना, और जो भी रिलेटिव ऑफिसर्स थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, और उन सबको भी मैसेज के थ्रू बताना कि हाँ इस प्रॉब्लम का क्या क्या वर्क हो गया। लास्ट आता है आपका वेरिफिकेशन डिस्पोजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया। इसमें यह भी जांचा जाता था कि शिकायतकर्ता को उचित राहत दी गई है या नहीं। वेरिफिकेशन यह आता है कि जो भी शिकायतकर्ता था उसने जो अपनी समस्या लिखी थी उसके अकॉर्डिंग ही वर्क हुआ है या नहीं, ये किसमें आ जाता है आपका वेरिफिकेशन के अंडर में आ जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसा कि आप जानते हैं, नहीं जानते भी होंगे तो जानते होंगे, पहले आपको जो राशन का सामान दिया जाता था है ना, वो कैसे दिया जाता था सभी जानते हैं। आपको राशन की दुकान पर जाना होता था, फिर जो भी वहाँ पर साहूकार जो भी बैठा होता है राशन का डीलर, वो आपको सामान देता था। आपको पता ही नहीं होता था कि आपके फैमिली के लिए कितना राशन का सामान आया है, कैसा कैसा सामान आया है ना, कितना आया है। आपको कम देके वो बोल देता था आपका फैमिली का हो गया, जबकि वो कुछ सामान अपने अंडर में रख लेता था है ना आपका, यानी एक तरह से आपके फैमिली के लिए जो राशन होता था उसको चोरी करके रख लेता था। बट राजस्थान गवर्नमेंट ने एक सर्विस स्टार्ट करी है, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसको क्या कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। अब क्या होता है, अब जिस भी फैमिली के लिए जो भी जितना भी राशन आया है उस फैमिली को पहले ही मैसेज के थ्रू पता हो जाता है कि मेरी फैमिली के लिए इतना आया है, इतने का में से इतना मैं यूज़ कर रहा हूँ, इतना मेरा अभी भी रिमेनिंग स्टॉक रखा हुआ है ना। तो यानी हर प्रोसेस को क्या कर दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक रूप से कन्वर्ट कर दिया गया। आपको हर चीज़ मैसेज के थ्रू पता चल जाती है कि हाँ आपके लिए फैमिली के लिए ये आ गया है सामान या नहीं आया, कितना टाइम लगेगा आपके राशन का सामान आने में, कितने रुपए के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, सारी डिटेल्स आपको आपके मैसेज पर शो हो जाती है। तो यही आपका जो प्रोसेस होती है वो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आती है। भारत में ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य की कमी से निपटने के लिए विकसित की गई है। जो भी वो कम खरीद नहीं पाते ना, उन लोगों के लिए इस सिस्टम को स्टार्ट किया गया था। इसके द्वारा समाज के गरीब लोगों को सस्ती कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि सर्विस का क्या उद्देश्य था, EPDS केंद्र और राज्य सरकारों को संयुक्त जिम्मेदारी और ये गरीबी उन्मूलन के लिए किए गए कार्यों का एक अहम हिस्सा है। EPDS भारत में खाद्य सुरक्षा नेटवर्क बनाने के लिए एक बड़े और जटिल नेटवर्क के रूप में विकसित हुआ है। इसमें लगभग 4 लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से करीब 16 करोड़ परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है। पहले जो वो होता था ना राशन की दुकान, अब उसे बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है याद करने के लिए कि ये जो राशन का सामान होता है जो भी किसी भी परिवार के लिए वो जो डिस्ट्रीब्यूट करवाता है ना, वो आपका कहलाता है, जो शॉप होती है वो कहलाती है आपकी फेयर प्राइस शॉप। तो ये याद करने वाला है, ये शॉप ही आपको उस फैमिली को क्या कहती है, राशन का सामान प्रोवाइड करवाती है। लाभ कैसे प्राप्त करें अभी ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, सेंट्रल और स्टेट एक व्यापक प्रक्रिया के माध्यम से BPL परिवारों की पहचान करते हैं। ठीक है, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, सेंट्रल और स्टेट एक बहुत अच्छी इनकी प्रोसेस, उसके थ्रू क्या करते हैं BPL फैमिलीज का पता करते हैं। कुछ ऐसे प्रोसेस के थ्रू पता लगाया जाता है कितनी BPL फैमिली है। सरकार APL परिवारों की पहचान यानी अबव पॉवर्टी लाइन करती नहीं करती
इसलिए गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार भी राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है। राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं गरीबी रेखा से भी ऊपर वाले, बट उनको वो सुविधाएं इतनी नहीं मिलती जितनी कि बीपीएल वालों को मिलती है। केंद्र का राज्यों को अनाज का आवंटन, केंद्रीय स्टॉक्स के में अनाज की उपलब्धता और राज्यों द्वारा पिछले 3 वर्षों में खरीदे गए औसत अनाज पर निर्भर करता है ना। जो भी अलॉटमेंट होता है, स्टॉक्स होता है, वो लास्ट 3 ईयर्स के अकॉर्डिंग खरीदे गए अनाज के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, इस लाभ के तहत मिलने वाली मुख्य वस्तुएं हैं जैसे गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल, कैरोसिन, ये सब इसमें आपकी दी जाती है। फेयर प्राइस शॉप क्या होती है? उचित मूल्य की दुकानें एफपीएस को राशन की दुकान भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया दिया। इन केंद्रों में उपभोक्ता को राशन कार्ड के आधार पर अनाज दिया जाता है। राज्य सरकार राशन की दुकानों को अपेक्षाकृत कम कीमत पर अनाज बेचने के लिए लाइसेंस देती है ना। इसमें इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं लगते, कम कीमत पर ही क्या दिया जाता है, इसमें राशन का सामान दिया जाता है। गरीब लोगों को राशन कार्ड जारी करना, ठीक है, नॉर्मली उन लोगों के लिए जो अपने डेली के राशन का सामान नहीं खरीद पाते, गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके पास इनकम के इतने सोर्सेज नहीं होते हैं, उनके लिए ये सर्विस बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। नेक्स्ट आता है, गरीबी रेखा लोगों के राशन कार्ड जारी करना। राशन कार्ड राज्य सरकार के आदेश एवं प्राधिकरण के तहत जारी एक फाइल कार्ड है जिससे उचित मूल्य की दुकानों से जरूरी वस्तुओं को खरीदा जा सकता है। राज्य सरकार गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय परिवारों के लिए विशिष्ट राशन कार्ड जारी करता है और नियमित रूप से इनकी समीक्षा और जांच करता है ना। राशन कार्ड तो इन सभी के लिए जारी करता है, बट सर्विसेज केवल कम लोगों को ही मिलती है। एक भारतीय नागरिक किसी भी संबंधित सरकारी विभाग से नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता है ना। एक इंडियन जो भी सिटीजन है, इंडियन पर्सन है, वो कहीं से भी अपने राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है डिपार्टमेंट में, है ना। तो यही यहाँ पे बताया गया। अब ये बता रहा है अप्लाइंग फॉर राशन कार्ड एट ई मित्र CSC, ठीक है। अगर आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। राशन कार्ड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, वो भी आपको समझ में आया होगा। आवेदनकर्ता वेबसाइट, आवेदनकर्ता वेबसाइट http://emitra.gov.in से फॉर्म डाउनलोड कर सकता है। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आवेदक को सभी आवश्यक जानकारी के साथ फॉर्म को क्या करना होता है, फिल करना होता है। फॉर्म भरने के बाद फॉर्म के साथ आवेदक को आवश्यक डॉक्यूमेंट्स संलग्न करने होते हैं। आवश्यक दस्तावेजों का उल्लेख नीचे दिया गया है, मतदाता पहचान, वोटर आईडी कार्ड, एक 2 रुपये का अदालत शुल्क टिकट होता है, रेसिडेंशियल प्रूफ होता है, कर भुगतान की रसीद, टैक्स की किराया समझौता, बैंक की पासबुक, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, अन्य उल्लेखित दस्तावेज का उपयोग आवासीय प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। पूरे डॉक्यूमेंट संलग्न करने के बाद आवेदक को अपने क्षेत्र के कार्यालय पर फॉर्म जमा कराना होता है। आवेदन जमा करने के बाद आवेदक को एक पावती स्लिप यानी एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिया जाता है जिसमें राशन कार्ड मिलने की तारीख और समय का उल्लेख किया जाता है। तो आज की क्लास में आप लोगों ने सीखा कि किस तरह से राशन कार्ड और का बनवाया जा सकता है, फेयर प्राइस शॉप क्या होती है और ई राशन संपर्क क्या है, है ना। तो आई होप आपको आज की क्लास में ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।